रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपकी मेज़बान मरियम शबीर और आप प्रोग्राम देख रहे हैं हम और हमारा माहौल। आज हम जिनसे बात करने जा रहे हैं वो बहुत फेमस एक्टर हैं और आप सब सोच रहे होंगे कि माहौल में उनका क्या काम, लेकिन ये ऐसे एक्टर हैं जो क्लाइमेट चेंज रिलेटेड, इन्वायरमेंट रिलेटेड जितने इवेंट्स हैं उनसे काफ़ी सेंसिटाइज हैं। बड़ी ह्यूज फॉलोइंग है इनकी, ख़ासतौर पर फीमेल्स की, और इन्होंने अनार ड्रामा जो था उनसे बहुत ज़्यादा शोहरत पाई। जी, हमारे साथ कैरेक्टर अल्तमश जो थे आका उस्मान मुख्तार, आज हमारे साथ मौजूद हैं। थैंक यू सो मच हमें टाइम देने के लिए। अस्सलाम वालेकुम। उस्मान मुख्तार साहब लीड कर रहे हैं और बड़े एक्टिवली पार्टिसिपेट करने जा रहे हैं 20 से 27 सितंबर जो ग्लोबल क्लाइमेट चेंज वीक में डिफरेंट मार्चेस हो रही हैं। इस्लामाबाद में 20 सितंबर को मार्च हो रहा है 3 बजे इस्लामाबाद प्रेस क्लब के सामने से, जो आप ज्वाइन करने जा रहे हैं। आपको कैसे ख्याल आया कि ये एक एक्टिंग से और इतनी बिजी रूटीन से हट के कि ऐसी एक चीज़ में पार्टिसिपेट करना चाहिए आपको? जी, एक्टिंग तो एक आपका एक प्रोफेशन है, ये एक चीज़ है जिसमें मैं काफ़ी बिलीव करता हूँ। क्लाइमेट चेंज इज़ अ वेरी इम्पॉर्टेंट इशू जिसको हर एक को सीरियसली लेना। इट्स क्लाइमेट चेंज आई थिंक इज़ द बिगेस्ट इशू, इट्स मोर, इट्स बिगर देन पॉलिटिकल एजेंडाज, वॉर्स, इट इज़ मच बिगर देन दैट। अगर आप लोग, आपकी आने वाली नस्ल अगले 50 साल, 60 साल, 70 साल सर्वाइव ही नहीं कर सकेगी तो इस पॉलिटिक्स का, इस जंगों का, और वैसे ही मतलब क्या फ़ायदा उस चीज़ का जब तक आप इस चीज़ पे काम नहीं करते कि आपकी आने वाली नस्लें सेफ नहीं है। एंड आई थिंक आई वॉन्ट टू लीव अ वर्ल्ड वेयर माई चिल्ड्रन कैन काइंड ऑफ लिव इन अ ब्रीदेबल एनवायरनमेंट, इन अ लिवेबल एनवायरनमेंट, एंड दैट इज़ व्हाई मैं बहुत पैशनेटली इस कॉज को सपोर्ट करता हूँ जितना मैं कर सकता हूँ। जहाँ पे मेरी से है मैं वहाँ पे बोलता हूँ इस बारे में। तो कितना बचपन से लेके आपने इस्लामाबाद में जितना टाइम गुजारा, यहाँ पे पले बढ़े, आपको क्या डिफरेंस नज़र आता है? क्या क्लाइमेटिक चेंजेस आपको नज़र आए? क्या वेदर पैटर्न्स में आपकी क्या ऑब्जर्वेशन है एक आम इंसान की नज़र से? वेदर जी बहुत अनप्रडिक्टेबल हो गया, वेदर का कोई पता नहीं चलता। अब इस दफ़ा सर्दियाँ कितनी देर तक चली हैं और गर्मियाँ कितनी लेट आई हैं। मुझे याद है जब हम छोटे थे तो इस्लामाबाद बहुत ग्रीन होता था। बाहर से जो लोग आते हैं कराची और लाहौर से, उनको अभी भी ग्रीन लगता है, लेकिन ये वो इस्लामाबाद नहीं है जिसमें हम बड़े हुए हैं। मतलब ग्रीनरी इतने इतनी अच्छे, मतलब इतने कलरफुल पैरट्स और इतनी अच्छी एंड वेरी रेयर बर्ड्स यूज टू बी फ्लाइंग अराउंड इन इस्लामाबाद। हम अनफॉर्चुनेटली ग्रीन बेल्ट्स काट रहे हैं, हम लोग अनफॉर्चुनेटली दरख्त प्लांट ज़्यादा नहीं कर रहे हैं, हम लोग कंस्ट्रक्शन पे कंस्ट्रक्शन करी जा रहे हैं। कार्बन एमिशन जो है वो अपना रिकॉर्ड तोड़ चुकी है और इट्स ओनली गोइंग टू गेट वर्स। So I really, really think it's high time that we start taking this issue seriously before it's too late. और उस वक्त फिर शायद हम बोलें भी तो कुछ ना हो, तो इस वजह से I think it's high time. You're very right. ये जो जितने चेंजेस आपने ऑब्जर्व किए हैं, जैसे डिफॉरेस्टेशन की आप बात करें, ग्रीन बेल्ट्स रिमूवल हो रहे हैं, पोल्यूशन, पोल्यूशन इज अ वेरी बिग कंसर्न। और मुझे एक चीज़ नहीं समझ आती कि हम लोगों ने इतनी खूबसूरत जगहें हमारे मुल्क में, और मैं उस दिन देख रहा था कोई वीडियो अताबाद लेक की, जहाँ पे जाके हम लोगों ने पूरा लेक पोल्यूट कर दिया हुआ है। मतलब आई थिंक हम लोगों की अपनी जिम्मेदारी है कि अगर हम लोग एक चिप्स का रैपर, हम लोगों ने एक चिप्स का पैकेट ख़त्म किया है, तो जिस तरीके से हम लोग उठ के दुकान पे गए थे और ख़रीदा था, उतनी मेहनत खाने के बाद अगर हम करके डस्टबिन में वो फेंक दें, तो ये इंडिविजुअली एक बहुत बड़ी आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी वो कर रहे हैं। तो आई थिंक ये और मेरी ये रिक्वेस्ट है जितने भी लोग हैं जो घर बनाते हैं, मुझे नहीं पता ये किस तरह काम करते हैं, ऑनेस्टली मैं आई डोंट नो, बट ये है कि अगर आप अपना घर बना रहे हैं, आप आर्किटेक्ट के साथ बैठे हैं, जिस जगह पे दरख्त, आपके लैंड पे दरख्त लगे हुए हैं, उनको आर्किटेक्ट को कहें कि आई वांट टू इनकॉर्पोरेट दीज ट्रीज़ इनटू माय हाउस समहाउ, कि वो दरख्त काटे मत, यू नो,
मेरा ख्याल से दैट इंडिविजुअली हम जो जो कर सकते हैं हमें वो करना चाहिए. अवेयरनेस जब आ जाएगी लोगों में तो वो खुद ब खुद ही ये चीज़ें करनी शुरू हो जाएंगे. पाकिस्तान के अंदर जैसे हम अभी आपकी कुछ सोशल मीडिया पोस्ट भी फॉलो करते रहते हैं जहाँ आपकी काफ़ी फैन फॉलोइंग है, उसमें आप लोगों से बात करते रहते हैं मार्च के हवाले से, कोई एनवायरनमेंट रिलेटेड चीज़ें आती हैं उस पर बोलते रहते हैं. यूजली होता ये है कि जब हम अपनी फील्ड से हट के कोई भी एक्टर कोई भी सिंगर बात करना चाह रहा होता है, अगर हम हॉलीवुड या बॉलीवुड को देखें तो उनका बड़ा पॉजिटिव आवाम का रिएक्शन आता है. लेकिन हमारे यहाँ ऐसा होता है कि कोई एक्टर या सिंगर कोई भी अच्छी बात करने की कोशिश करता है अपनी फील्ड से हट के तो उसके बड़ा स्ट्रॉन्ग क्रिटिसिज्म भी आता है, सपोर्ट भी ऑफ कोर्स आता है जो सर्कल्स आपको सपोर्ट कर रहे होते हैं. तो आपको इस सारे प्रोसेस में किसी से कुछ सुनने को ऑनलाइन मिला हो या फेस टू फेस मिला हो? मैं ये समझता हूँ कि ये हर जगह है, ये हॉलीवुड बॉलीवुड में नहीं है, हर जगह है. देयर आर पीपल हु डोंट निगेट योर ओपिनियन, देयर आर पीपल हु सपोर्ट योर ओपिनियन, दिस इज एवरीवेयर. अभी तक अमरीका में ऐसे लोग हैं जो कहते हैं अर्थ फ्लैट है, ठीक है, अर्थ इज नॉट राउंड. मतलब अभी इस इन दिस डे एंड एज देयर आर पीपल हु बिलीव दैट. तो वो हर बंदे की अपनी ओपिनियन है. लोगों में शऊर लाना हमारा ही काम है, हमारे इदारों का काम है, हमारे एजुकेशन सिस्टम का काम है. वो जब आएगा तो लोग खुद ब खुद ही ओपन होंगे इन चीज़ों के लिए. मुझे लगता है कि हमारे यहाँ पे काफ़ी हमारे लोग काफ़ी समझदार हैं, बस उनमें शऊर लाने की देर है, अवेयरनेस लाने की देर है. जब अवेयरनेस आएगी तो ऑटोमेटिकली यू नो हम लोगों को मेरा ख्याल से एज अ नेशन वी शुड टॉक अबाउट द इश्यूज दैट मैटर मोर रादर देन टॉकिंग अबाउट इश्यूज दैट विल ब्रिंग नो यू नो ड्रास्टिक चेंज और यू नो एनीथिंग इन योर लाइफ. लाइक यू जिस तरह हम किसी का स्कैंडल किसी के साथ बना रहे हैं, हम किसी ने कुछ कह दिया तो उस पर बाकियों का क्या रिएक्शन है, किसी ने कुछ, उनकी जगह अगर हम एक्चुअल इश्यूज पे बात करें तो शायद मेरे ख्याल से हम लोग काफ़ी कुछ अचीव कर सकते हैं. आपको एक्टिंग के अलावा जो आपके जितने बिजी स्केड्यूल है उसमें आपको टाइम मिलता है या निकालते हैं प्लांटेशन के लिए या इस चीज़ के लिए? तो जी मुझे कभी भी कोई बोलेगा मैं टाइम निकाल के आऊँगा, बिकॉज मेरा ख्याल से एक्टिंग मेरा काम है, मुझे मतलब वो बहुत प्यारा है. लेकिन ये मैंने जैसे शुरू में बोला कि आई वॉन्ट लीव एंड आई विल ट्राई माई बेस्ट दैट आई लीव प्ले फॉर माई चिल्ड्रन वेयर दे कैन लिव फ्रीली एंड यू नो ईजली एंड इन एनवायरमेंट दैट इज़ ब्रीदेबल दैट इज़ लिवेबल. इंडस्ट्री में काफ़ी इश्यूज़ पे ड्रामास बनते रहते हैं, फिल्म से बनती हैं, चाहे वो चाइल्ड अब्यूज़ है, डोमेस्टिक अब्यूज़ है या इस तरह के और भी इश्यूज़ पे. आपका नहीं ख्याल कि हमारी ड्रामा इंडस्ट्री में या फिल्म इंडस्ट्री में या डॉक्यूमेंट्री में इवन इन्वायरमेंटल इश्यूज़ पे या क्लाइमेटिक इवेंट्स पे कोई स्टोरीज नहीं बनी है? नहीं बनी जी, अनफॉर्चुनेटली. आई थिंक करना चाहिए इस पर काम, बट इस काम में मेरे ख्याल से रिसर्च ज़्यादा है और आई थिंक इस तरह के इश्यूज़ पे मेरे ख्याल से थोड़ा टाइम लगेगा बात करने में. और हम लोगों ने बेसिकली हॉलीवुड की मूवीज़ देख देख के वो इतना ड्रामेटिक कर दिया है क्लाइमेट चेंज को कि आई थिंक इट्स अ वेरी सीरियस इशू, बट इस तरह नहीं होगा कि ज़मीन फट रही होगी और आई मीन दैट्स अ लिटिल ट्रू टू फिल्मी. तो आई थिंक उसकी सही रिसर्च करना और एक अच्छा स्क्रिप्ट लिखना मुझे लगता है थोड़ा टाइम लगेगा उसमें. लेकिन आई थिंक पीपल शुड एज फिल्म मेकर जी करना चाहिए इस पे काम. बट आल्सो एक तो रिसर्च बहुत है और दूसरा इस तरह की प्रोजेक्ट्स पे शायद बजट भी ज़्यादा हो जिसके लिए अभी हम प्रिपेयर्ड नहीं हैं हम लोगों की इंडस्ट्री, यू नो. कभी अपने सर्कल्स में आपने क्लाइमेटिक इशू पर बात करने की कोशिश की हो, फ्रेंड्स को सेंसिटाइज करने की कोशिश की हो, तो किस किस्म के रिस्पॉन्सेज होते हैं? आई एम सरप्राइज जितने लोगों से मैं बात करता हूँ वो सारे एग्री करते हैं इस चीज़ से. उनको पता है क्या हो रहा है, उनको देयर अवेयर ऑफ
the climate, drastic climate changes, you know, heat waves ab zyada aa rahi hain, barishein kam ho rahi hain, you know, to wo unko they're aware of it. But काफ़ी लोग ये है कि वो कहते हैं कि यार हमारा क्या लेना देना इससे, मैं अकेला क्या कर, हमारी बेसिकली सोच है कि मेरा क्या लेना देना, मैं अकेला क्या कर लूँगा, क्लाइमेट चेंज है, मैं चुटकी बजाऊँगा तो कुछ नहीं होगा, इट्स नॉट लाइक फिक्सिंग योर एजुकेशन सिस्टम या कोई ऐसी चीज़. तो आई थिंक अगर हम लोग ये समझें ना कि इंडिविजुअली हम काफ़ी ऐसी चीज़ें कर सकते हैं जो करें, और वो ये है कि वो फ़ौरन तो चेंज नहीं करेगा उसको, बट मे बी इन 10, 20, 30 years that will probably change. Even though I read somewhere that we're way past the time where we can kind of, we have only 12 years 20-30 years mein 2 degrees se bhi upar jaane ke chances hai. But I hope ke we shouldn't give up, we should still kind of, you know, aapka jo 20th march pe jitne log aa rahe hain ya jo aapko dekhenge unke liye aapka kya message hai? Mera yahi message hai ki please aaiye, प्लीज़ शिरकत करें मार्च के अंदर, लेकिन सिर्फ शिरकत मत करें, समझें कि कॉज क्या है, और जब आप उस मार्च से निकलें और आप घर जाएं तो एक मैसेज अपने साथ लेके जाएं कि इंडिविजुअली आप लोग अपनी जो आपके इख्तियार में है, जो जो चीज़ें पॉसिबल टू यू नो हेल्प क्लाइमेट चेंज, आप वो करिए, आप वो कीजिए. और थैंक यू, प्लीज़ लुकिंग फॉरवर्ड टू seeing all of you at the climate march. Thank you very much Usman sahab hame time dene ke liye. Bahut bahut shukriya. Usman sahab ne bilkul sahi bataya ki individual efforts mein hum bahut kuch kar sakte hain. Mahol ko litter nahi karna, jo log march mein aa rahe hain 20 September ko, please wo log plastic ke bag apne saath mat lekar aaye, pabandi hai. लिटर नहीं करना आपने वहाँ पे, डू नॉट ब्रिंग प्लास्टिक बॉटल्स, अपने जो घर में बॉटल्स यूज़ करते हैं उनको लाइए, एंड प्लीज़ फॉलो #ClimateStrike. स्टे ट्यून्ड, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़.